पिताजी का जो है 102 का जन्मदिन था और वो हर साल की तरह जो है बड़े सादगी पूर्ण तरीके से जो है वो मंगा जा। तो आज भी बड़े सादगी पूर्ण से सभी साथियों ने जो है हवन में आहुति देकर जो है उसको मनाने का काम किया। देखो वो तो अभी पता लगेगा, वो ज़्यादातर उसका इंदर फैन को ही पता, लेकिन देखो कितने जाएंगे मुझे फिर उसके बारे में सही जानते हैं। देखो हम तो जो है अपना आपको बड़ा सौभाग्य से नहीं मानना कि चौधरी साहब का हमें जो है आशीर्वाद प्राप्त रहा और हम इस घर में पैदा हुए। इससे बड़ा सौभाग्य शादी हम किसी और को मानते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं वो सब उनकी बदौलत है। उन्होंने अपने कार्यों से, जनता के प्यार से जो नाम उन्होंने कमाया है उनकी बराबरी तो कोई कर नहीं सकता। हम भी अगर 7 जन्म भी लें तो भी हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम जो है हम प्रयास करेंगे कि हम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने जो कुछ भी हम लोगों को सिखाया, जो भी उनके संस्कार थे, जो उनकी प्रेरणा थी, उसे हम जो है पूरा करने आ रहे हैं। तो समाज में जो है समाज के लिए उन्होंने हमेशा काम किया और हमेशा कोशिश रही उनकी कि समाज एक सूत्र में रहे। और हम लोग भी चाहते हैं कि समाज जो है वो एक सूत्र में रहे और सब शांतिपूर्ण भाईचारे से जो है रहें, एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही रहें ताकि भाईचारा बना रहे। दोनों हमने जो है हवन के द्वारा दोनों को ही जो है श्रद्धांजलि देने का काम किया है, वो नेताजी के लिए भी और उनके लिए भी, दोनों के लिए हवन था। और नेताजी अगर इस देश के अंदर किसी को धरती पुत्र कहा गया है तो वो एकमात्र नेताजी है मुलायम सिंह यादव जी से जिन्हें धरती पुत्र कहा गया, क्योंकि वे जमीन से जुड़े हुए नेता थे। उन्होंने बहुत संघर्ष करा, बहुत ही संघर्ष करने के बाद जो है वे उस मुकाम पर पहुँचे। इसलिए ऐसे नेताओं का पैदा होना जो है वो तो बड़ा मुश्किल। दोनों ही नेता जो है वो ज़मीन से जुड़े हुए थे और मैं नहीं मानता कि आगे चल कर जो है ऐसे दिग्गज जो है देश का और प्रदेश का माहौल जो है आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और दोनों जगह जो है वो गठबंधन के पक्ष में है। और जो जनता की आवाज़ है, कदर जो लोग भाजपा के खिलाफ बोलने का काम नहीं करते थे, आज जो गांव देहात में जो वो भाजपा के खिलाफ बोलने का काम कर रहे, तो उससे स्पष्ट संकेत मिल रहा कि बदलाव होगा और ज़रूर होगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार जाए 2024 में जाए इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ जो बनने जाए। बिल्कुल, क्योंकि हम भी समाजवादी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और एक कार्यकर्ता की हैसियत से जो है हमने भी अपने नेता के सामने जो है हमने चुनाव लड़ने का जो है प्रस्ताव रखा है। हमने भी टिकट की मांग की है। अब जिसे टिकट मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा, हमें टिकट मिलेगा हम चुनाव लड़ेंगे, किसी दूसरे को टिकट मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा।
लेकिन इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जो भी लड़ेगा वो मजबूती के साथ लड़ेगा और हमें पूरी मीडिया को चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार में, आपके साथ ज़िक्रिया खान। आज हम पहुंचे हैं सल्फर के अंदर, जहां पे आज एक प्रोग्राम रखा गया था और उनके बारे में जो गद्दावर नेता हैं सहारनपुर ज़िले के चौधरी इंदर सिंह जी, इनसे जानेंगे कि यहां किस तरह का प्रोग्राम रखा गया और क्या उसमें आयोजन किया गया, इसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं अपने चैनल में चौधरी इंदर सिंह जी का स्वागत करना चाहूँगा। अपने आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और दूसरी बात, मैं कद्दावर नेता नहीं हूँ। ये कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी, उनका एक नाम रहा है अच्छा खासा, उनके सुपुत्र भी हैं, इसलिए कद्दावर नेता कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इसके बारे में एक जानकारी लेना चाहूँगा कि आज सल्फर के अंदर में एक प्रोग्राम रखा गया है, किस तरह का प्रोग्राम था, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं पुनः कहना चाहूँगा, मैं कद्दावर नेता अपने आप को नहीं मानता। कद्दावर नेता तो आजकल जो मानते हैं वे मानते हैं, और परम पूज्य पिता श्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी की 102वीं जयंती है आज, तो हर साल मनाते हैं। तीतरो समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद यहाँ पर यज हवन चला, वेदों के मंत्रोच्चार से यज हवन संपन्न हुआ, सभी साथी उसमें सम्मिलित हुए। जय हिंद जो सामाजिक संस्था है, उन्होंने यहाँ पे एक रक्तदान शिविर भी उनकी याद में आयोजित किया था, तो ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। तो रक्तदान महादान है, और परम पूज्य पिता श्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी ने बहुत लंबे समय पहले सन 80 के दशक में प्रथम रक्तदान शिविर कराया था गंगो में, ऐतिहासिक था। सभी हॉस्पिटलों में जितने भी थे उनके वो फेल हो गए थे, इतना रक्त देने के लिए लोग आए थे। तो आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ये रक्तदान शिविर जो है आयोजित हुआ, जो ज़रूरतमंद है, क्योंकि जिस तरीके से महामारी चल रही है बुखार की, जानलेवा बुखार आ रहे, तो उनमें सभी का भला होगा। और मैं तो यही परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा, हे प्रभु सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। इस खुशी पे कहना चाहेंगे थोड़ा सा एक राजनीतिक मुद्दों पर बात करना चाहूँगा आपसे, कि 5 राज्यों के चुनाव कल चुनाव आयोग ने तय कर दिए हैं, और अगला जो है 2024 का आ रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किराना लोकसभा सीट पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं, तो आप उसे किस तरह से देख रहे हैं और टिकट के लिए क्या दावेदारी है? देखिए, हम पहले भी कह चुके, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और आज जनता जो जनता के साथ वादे किए गए थे, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, चाहे वो बेरोजगारों से संबंधित हो, चाहे छोटे दुकानदार से संबंधित हो, व्यापारियों से संबंधित हो, गरीबों से संबंधित हो, तो जितने वायदे किए गए थे उन पे ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। जहाँ तक कैराना लोकसभा की बात है, हम कैराना और सहारनपुर दोनों लोकसभा पर पूरी तैयारी के साथ जुड़े हुए हैं। कैराने में तो हमने विधानसभा चुनाव के बाद से ही हमारे साथियों की सलाह पर, हमारे साथियों के उससे तैयारी पूरी ज़ोर शोर से लड़ने की तैयारी कर दी थी। दावेदारी की बात, दावेदारी करने का हक सभी को है, गठबंधन में एक से एक नेता है, तो दावेदारी करने का हक सभी को है। जब एक का फाइनल हो जाएगा तो अपने आप स्वतः ही सबकी दावेदारी ख़त्म हो जाएगी, और गठबंधन के लिए काम सभी कर रहे हैं और करेंगे। आप देख रहे हैं कि देश में क्या माहौल चल रहा है राजनीति को लेके, और भाजपा सरकार कहीं ना कहीं पिछड़ती नज़र आ रही है, तो क्या रहने वाला है इंडिया गठबंधन का, कि इस सीट पे कितना प्रभाव पड़ेगा इस गठबंधन? मैं अभी पहले भी कहा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतता है। अभी 2020 में भी, वनडे में भी, और जो
पाँच दिवसीय मैच यानी पंचवर्षीय योजना, उसमें भी इंडिया गठबंधन जीतेगा। एक सवाल है और है आपसे सर, कि इमरान मसूद भी कहीं ना कहीं गठबंधन में आके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए, तो क्या किस नज़रिए से देख रहे हैं इसको? मैं तो किसी भी नज़रिए से नहीं देख रहा हूँ। मान लो अगर आपको इंडिया गठबंधन से टिकट होता है तो उसका कोई बेनिफिट होगा या नहीं? मुझे तो मालूम नहीं कि बेनिफिट होगा या नहीं, वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। अच्छा, आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे इस वर्ग के चौधरी पाल जी की पुण्यतिथि में इस जनता को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के जितने अनुयायी हैं, जितने उनके समर्थक हैं और जो उनका सम्मान करते हैं दिल से, आज ज़रूरत है वो हम सब मिलके इकट्ठा होकर एकजुटता के साथ जो राजनीतिक बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर हम लड़ें। सर्व समाज के हितों की रक्षा के लिए हम आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने हमेशा सर्व समाज के हितों की रक्षा के लिए जीवन भर काम किया है और उनके आदर्श, मूल्य, सिद्धांत, ईमानदारी, सच्चाई, उनका जो स्वाभिमान है, उन्होंने अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। हमारा भी इरादा यही है कि हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करें। उन्होंने अपने समर्थकों को, अपने साथियों को हमेशा अपना अभिमान माना, अपना गर्व माना, अपना स्वाभिमान माना। वही परंपरा को हम ले कर आगे बढ़ रहे हैं और यही संदेश देना चाहूँगा कि आइए, हम आप हमारी ताकत हैं, आप हमारी शक्ति हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। और हमारे साथ मिलकर और इस राजनीतिक लड़ाई में जो आज कमी खल रही है, उस कमी को हम पूरा करने का अपना लक्ष्य प्राप्त करें। जो ताकत हमारी होगी वो ताकत हम सबकी होगी। आप देख रहे थे, हमारे साथ में बने हुए थे चौधरी इंद्र सिंह जी। इन्होंने अपनी बात रखी है, कुछ सवाल किए, उनके जवाब दिए और आगे भी हम इनसे जानकारी लेंगे। आगे आने वाला है तो गर्व के उसमें छुपा हुआ है, क्या होने वाला है, किसको टिकट रहेगा, ये आगे बताते रहिए। आप बने रहिए हमारे साथ में, मन्नत समाचार देखते रहिए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।